हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, क्या आपके पास इन्फिनिक्स का हॉट 10 मोबाइल है? जी गाइस, अगर आपके पास इन्फिनिक्स का हॉट 10 मोबाइल है और आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम हो रही है, हमारा मोबाइल है बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज होने लगा है। गाइस, यहाँ पर किसी किसी भाई का सवाल है कि हमारा मोबाइल में जब से लास्ट अपडेट आया है ऑटोमेटिक चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्फिनिक्स के मोबाइल में अपडेट है वो नाम मात्र के लिए आते हैं, यानी कि वो क्लेम तो करते हैं कि सिक्योरिटी पैच आपको 1 साल तक या 2 साल तक मिलेगी, बट मिलते हैं बट बहुत ज़्यादा 1 साल में एक बार मिल जाए या 1 साल में 2 बार मिल जाए, बहुत ज़्यादा डिले होकर आपको पैचेस अपडेट भी मिलते हैं। तो अपडेट तो नाम मात्र आते हैं, बट आपका सवाल हो सकता है बाई चांस कि हमारे डिवाइस में लास्ट अपडेट करने के बाद स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं से यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आपको अपडेट करने के बाद स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम हो रही है तो आप नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हैं। आपको पता है कोई भी अपडेट आता है उसमें कभी कभी बग एंड वायरस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं, तो वो नेक्स्ट अपडेट में फिक्स कर देते हैं। उनके से हमारा किसी किसी वजह का सवाल हो सकता है कि हमारा डिवाइस जितना ओल्ड होता जा रहा है ऑटोमेटिक चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा डाउन होती जा रही है। एंड किसी किसी भाई का सवाल और भी कुछ हो सकता है कि हमने जब से गेमिंग की है तब से ऑटोमेटिक चार्ज है वो कम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपका डिवाइस स्लो चार्ज क्यों होता है और आप अपने मोबाइल को कैसे फास्ट चार्ज कर सकते हो। एंड तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊँगा, उसके बाद आपको इससे अभी से ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहती हैं कि ऑफ रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। जैसे आप किसी की परमिशन देते हो, जैसे आप मान लीजिए पेटीएम को ओपन करोगे तो ऑटोमेटिक आपका लोकेशन ऑन हो जाता है, ऐसे ही आपका वाईफाई ब्लूटूथ भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो हमेशा आपको जब मोबाइल को चार्ज पे लगा रहे हो तो इन तीनों चीज़ को ऑफ करके ही मोबाइल को चार्ज पे लगाना है। एंड कहीं यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, मोबाइल के डाटा को ऑन करके ही मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं, तो ये भी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। अगर आपका मोबाइल का डाटा ऑन होगा उस कंडीशन में आपका डिवाइस है चार्ज ही नहीं होगा, क्योंकि आपके डिवाइस पे जितना लोड होता है या आपका मोबाइल है पूरा ऑनलाइन हो जाता है और सारे एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन वगैरह हर टाइम आने लगते हैं। तो हमेशा डाटा को ऑफ करके ही मोबाइल को चार्ज पे लगाना है। एंड कैसे यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, मोबाइल को चार्ज पे लगाने के बाद मोबाइल को यूज करने लगते हैं, उस कंडीशन में भी आपका डिवाइस है चार्ज ही नहीं होगा। तो हमेशा इन चीज़ों को फॉलो करना है, फालतू में गलत चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, डाटा को ऑन करके मोबाइल को चार्ज पे नहीं लगाना है या मोबाइल को चार्ज पे लगा के मोबाइल को यूज नहीं करना है। इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ध्यान रखना। एंड किसी यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं आप सुबह से लेकर शाम तक, या जब भी मोबाइल को यूज कर रहे हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गेम वगैरह जो भी खेल रहे हो, आप क्या करते हो मोबाइल को लॉक करके मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हो। आपको हमेशा जब भी आपने जो चीज़ें यूज की हैं सबसे पहली बात रिसेंट मेनू पर क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं 2-3 एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ, अब आपको रिसेंट मेनू पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्लोज ऑल करने के बाद लॉक करने के बाद ही मोबाइल को चार्ज पे लगाना है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में खुले रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। अब सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। जैसे कि यहाँ पर आप सेटिंग में आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बैटरी पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, सेकंड नंबर है ऐप पावर कंजप्शन मैनेजमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सारे एप्लीकेशन है वो लोड होकर आ जाएंगे। आपको क्या करना है, एक एक करके सभी एप्लीकेशन पर, जो यहाँ पर देख सकते हो ऐप स्मार्ट पावर सेविंग मोड पे है, कुछ एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी सभी एप्लीकेशन आपके ऐप स्मार्ट पावर सेविंग मोड पे होंगे, यहाँ पर आपको नीचे वाले पर क्लिक करना है जो कि बैकग्राउंड रहने की प्रोबिटेड। इससे क्या होता है, आपको उन्हीं एप्लीकेशन को करना जिनकी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये एप्लीकेशन अब आपके बैकग्राउंड में रन करना बंद कर देंगे, जिससे आपकी चार्जिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा बेहतर एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप इस सेटिंग को फॉलो करके अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को यहाँ पर बैकग्राउंड में बंद कर देना, जैसे कि कैलकुलेटर की नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, इसे भी आप बंद कर सकते हो, रनिंग को, कैंपस की, ड्राइव हो गया, ऐसे करके काफ़ी सारे एप्लीकेशन होंगे जो आपको पता होंगे आपके डिवाइस में कौन से एप्लीकेशन है, जैसे गेम वगैरह है, उन्हें भी आप यहाँ पर जो आपकी रनिंग प्रोसेस है वो बैकग्राउंड की वो बंद कर सकती हो। एंड एक ऑप्शन मिलता है आपको प्रोफेशनल सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पे जाना है, और जो चीज़ें हैं जैसे कि नॉट ऑप्टिमाइज चीज़ें हैं आपका गेम वगैरह हो सकता है उसे भी आपको ऑप्टिमाइज पे लगा देना है। इससे क्या होगा, उस चीज़ में आप जब भी जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको मालिक आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करना लगेगा। इस सेटिंग को भी आप फॉलो कर सकते हो। सिंपली आपको आ जाना है बैक। गाइस, यहाँ पर जैसे ही बैक आओगे, अब मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगा कि आपका डिवाइस क्यों स्लो चार्ज होता है। सबसे पहली बात, अगर आप मोबाइल को जैसे नाइट में रख देते हो मोबाइल को, अगर आप सुबह चार्ज करोगे काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका मोबाइल स्लो चार्ज क्यों होता है, मेन चीज़ डिपेंड करता है कि आपका मोबाइल की बैटरी का टेम्परेचर कितना है। जितना बैटरी का टेम्परेचर हाई होगा उतना ही स्लो चार्ज होगा, जितना बैटरी का टेम्परेचर ओवरहीट होगा उतना ही यहाँ पर आपका डिवाइस चार्ज ही नहीं होगा। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना। कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने डिवाइस पर हैवी लोड डालते हैं, गेमिंग वगैरह करते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे डिवाइस की बैटरी डिस्चार्ज होने वाली, तुरंत ही जाकर चार्ज पर लगा देते हैं, उस कंडीशन में आपका डिवाइस चार्ज ही नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी का टेम्परेचर कितना है, उसी हिसाब से आपका डिवाइस चार्ज करता है। भले ही कितनी भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपकी बैटरी पर डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी का टेम्परेचर कितना है, उसी हिसाब से आपका डिवाइस
चार्जिंग स्पीड है उसी हिसाब से होती है। तो आपको जब भी आप गेमिंग वगैरह करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, 5 से 10 मिनट का वेट करने के बाद ही मोबाइल को चार्ज पर लगाना है। उस कंडीशन में आपकी चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है एंड फास्ट हो जाती है क्योंकि बैटरी का टेम्परेचर कम हो जाता है। एंड गाइस यहाँ पर बाई चांस अगर आपका डिवाइस अभी भी स्लो चार्ज होता है तो आप क्या कर सकते हो, आपके डिवाइस में एक ऑप्शन मिलता है आपको एरोप्लेन मोड का, इसे यूज करके यानी कि इसे ऑन करके मोबाइल को चार्ज पर कर सकते हो। हालाँकि किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि इसे लगाने के बाद हमारी जो कॉल वगैरह है वो नहीं आएगी, बट गाइस यहाँ पर बताना चाहूँगा इसे आप इमरजेंसी इस्तेमाल में यूज कर सकते हो। इससे आपकी चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है क्योंकि आपका मोबाइल है जो सिम सर्विस होती है वो भी रन करना बंद कर देती है आपके बैकग्राउंड में, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो और आप यहाँ पर लिटरली बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो कोशिश करें जब मोबाइल को नेट में आप रख के सो जाते हो, सुबह उठते हो तो सुबह ही चार्ज पर लगाओ, काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज होने लगता है। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग, इन्हें आपको फॉलो करना है और आपका डिवाइस स्लो चार्ज प्रॉब्लम नहीं होगा एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज होने लगेगा। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आपका डिवाइस स्लो चार्ज क्यों होता है, सबसे पहली बात आप चेक करो कि आपकी स्टोरेज खाली है कि फुल है। बाई चांस फुल दिखा रहा है, सबसे पहली बात फालतू के फोटो, फालतू के वीडियो, फालतू के एप्लीकेशन आपको डिलीट कर देने। गाइस यहाँ पर जितनी आपकी स्टोरी भरी होगी उतना ही स्लो चार्ज होगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको जितना हो सके स्टोरी को खाली करना है, खाली करने के बाद आपको क्लीनर का एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन, उस पर आपको क्लिक करना है और आपकी होम स्क्रीन है वो भी क्लीन हो जाएगी एंड फालतू में आपकी जो बग वायरस या जंक फाइल होंगी वो भी क्लीन हो जाएंगी और आपकी चार्जिंग स्पीड है काफ़ी बेहतर एंड काफ़ी फास्ट हो जाएगी। इस सेटिंग को आपको फॉलो करना है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।